वेलकम टू अनदर लर्निंग एपिसोड विद कोट कैट फिफ्टीन दिस इज योर होस्ट रवि आज के सेशन में हम ऑपरेशन क्यू और जी को कंपेयर करेंगे आई में मल्टी थ्रेडेड ऑपरेशन करने के दो तरीके हैं या तो हम डिस्पैच फ्रेमवर्क यानी जी का यूज़ कर सकते हैं या हम ऑपरेशन क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं आई डेवलपर के बीच जी सी ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज उसका सिंटेक्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड इट्स वेरी ईजी टू यूज़ और अक्सर जब भी थ्रेडिंग या बैकग्राउंड रिलेटेड हम कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल या Stack Overflow पे हमें GCD -oriented answers ही मिलते हैं। But then अगर GCD सब कुछ handle कर सकता है, तो फिर हमें ये दूसरे की क्या ज़रूरत है? Apple ने Operation Q नाम का क्लास बनाया ही क्यों? जब majority scenarios हम GCD से handle कर सकते हैं। इसके पीछे क्या टेक्निकल रीजन हो सकता है क्या कोई ऐसा है जो GCD हैंडल नहीं कर पाता और इतना ही नहीं आई एम श्योर हम सभी ने इंटरव्यूज में कभी ना कभी ऐसे सवाल फेस किए होंगे जैसे, GCD और में क्या डिफरेंस ऐसे कौन से सीनारियोस हैं जहां आप ऑपरेशन क्यू यूज करोगे एज कंपेयर टू जीसीडी द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एंड ऑपरेशन क्यू तो आज के एपिसोड में हम इन सारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे जिससे हमें इंटरव्यूज में और हमारे प्रोजेक्ट सोल्यूशनिंग में आसानी हो अगर थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू थ्रेडिंग इस वीडियो को देख लें और फिर उसके बाद इस कंपैरिजन वीडियो को कंटिन्यू करें बिकॉज बेसिक क्लियर किए बिना आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू कंटिन्यू विद दिस वीडियो इंट्रोडक्शन टू थ्रेडिंग वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप अभी वीडियो देखना चाहते हो तो अपर राइट हैंड कॉर्नर में जो आई बटन है आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं आई वुड रिक्वेस्ट कि जब तक हम कंपैरिजन वाले पार्ट पे नहीं आते तब तक भूल जाओ कि आईओएस में जी नाम का कोई फ्रेमवर्क है बिकॉज मेनी टाइम्स होता क्या है कि हम नया कुछ सीख रहे होते हैं एंड इन अवर माइंड वी आर कंटिन्यूसली कंपेयरिंग इट विद दी अदर फ्रेमवर्क कि अरे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसमें तो ऐसा होता है उसमें तो दो लाइन में सब कुछ हो जाता है और कंटिन्यूस कंपेरिजन की वजह से हम नए टॉपिक को सीख नहीं पाते तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए लेट्स जस्ट फोगेट अबाउट जीसीडी एंड ओनली फोकस ऑन लर्निंग ऑपरेशन क्यू बिकॉज जीसीडी होने के बावजूद अगर एप्पल ने इस क्लास को इंक्लूड किया है तो फॉर श्योर देर टू बी अ सॉलिड टेक्निकल रीजन बिहाइंड दिस ऑपरेशन क्यू इस वर्ड पर फोकस करें तो देर आर टू थिंग्स वन इज ऑपरेशन एंड द अदर इज क्यू लेट्स फोकस ऑन ऑपरेशन फर्स्ट कि ऑपरेशन क्या है एक ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है जैसे कि एक फाइल या डेटा डाउनलोड और एनी हैवी टास्क जो आपको मेन थ्रेड में नहीं करना चाहिए आप ऑपरेशन को डिफाइन करोगे विद दी हेल्प ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉल्ड ऑपरेशन जैसे जावा और सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट है वैसे स्विफ्ट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है यहां पे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज किया गया है एंड इफ यू डोंट नो वट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास है जिसका आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इट हैज टू बी यूज एज अ बेस क्लास एज पर एपल्स डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑपरेशन क्लास डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एप्पल ने हमारे लिए ब्लॉक ऑपरेशन नाम का एक क्लास बनाया है जिसे हमें यूज करना चाहिए तो लेट्स स्विच टू प्ले और एक ब्लॉक ऑपरेशन क्लास क्रिएट करते हैं और उसमें विल एड कपल ऑफ टास्क सो लेट्स क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लॉक ऑपरेशन ब्लॉक ऑपरेशन इक्वल्स टू ब्लॉक ऑपरेशन का क्लास यूज करेंगे एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू सेट द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इक्वल्स टू यूटिलिटी और अभी ब्लॉक ऑपरेशन में मैं एक टास्क ऐड करना चाहता हूं सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज दी एड एक्सिक्यूशन ब्लॉक फंक्शन और यहां पे वी आर जस्ट गोइंग टू एड डीबक प्रिंट और उसी तरीके से कुछ और एक्सिक्यूशन ब्लॉक क्रिएट करते हैं माई नेम इस रवि सो अभी हमने यहां पे ब्लॉक ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है वी आर सेटिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग नथिंग कॉम्प्लेक्स वी आर जस्ट प्रिंटिंग सम मैसेजेस ऑन द कॉन्सोल अब मुझे इस ब्लॉक ऑपरेशन को एक्सिक्यूट करना है यानी मुझे इसे स्टार्ट करना है सो दैट जो भी टास्क हमने यहाँ पे इस ब्लॉक ऑपरेशन को दिए हैं वो सारे के सारे एक्सिक्यूट हों एंड डूइंग दैट इज वेरी इजी ऑल यू हैव टू डू इज ब्लॉक ऑपरेशन डॉट स्टार्ट दैट्स एड सो ना लेट मी रन दिस सो एज यू कैन सी दउटपुट इज हैलो माई नेम इज़ रवि अब इस आउटपुट को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिस सीक्वेंस में हमने यहां पे ब्लॉक ऑपरेशन में टास्क ऐड किए हैं जैसे आप देख सकते हो कि यहां पे पहले हेलो है एंड देन माय नेम एंड देन रवि और उसी सीक्वेंस में यहां पे हमें आउटपुट आया तो इस सीक्वेंस को देख के ऐसा लगता है कि ब्लॉक ऑपरेशन वर्क ऑन फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट दैट इज जो टास्क आपने पहले ऐड किए हैं वो पहला एक्सिक्यूट होता है एंड सो ऑन सो लेट मी रन इट वन मोर टाइम सो एज यू कैन सी दिस इज नॉट द केस जो टास्क हमने ब्लॉक ऑपरेशन में ऐड किए थे स्टार्ट फंक्शन के कॉल पे दे ऑल स्टार्टेड एट वंस और हमारे केस में जो टास्क पहले फिनिश हुआ उसका मैसेज सबसे पहले कॉन्सोल पे प्रिंट हुआ सो एज यू कैन सी ओवर हियर सबसे पहले माई नेम इज प्रिंट हुआ एंड देन हेलो एंड देन रवि ब्लॉक ऑपरेशन को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं वन इज एज यू हैव ऑलरेडी सीन बाय यूजिंग द स्टार्ट फंक्शन एंड द सेकंड वन इज बाय यूजिंग द ऑपरेशन क्यू क्लास बट यहां पे एक सवाल ये आना चाहिए कि अगर मैं ऑपरेशन का स्टार्ट फंक्शन यूज करके मेरे ब्लॉक ऑपरेशन को एक्सिक्यूट कर सकता हूं तो फिर मुझे ऑपरेशन क्यू इस क्लास की क्या जरूरत है ये सवाल आपको इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है स्टार्टिंग में हमने ऑपरेशन क्यू इन दो वर्ड से शुरुआत की थी एंड वी कवर्ड ऑपरेशन पार्ट ऑफ इट वी नो वट एन ऑपरेशन इज और उसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए नाउ लेट्स कवर द सेकेंड वर्ड विच इज क्यू अगर आपको मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ एक्सीक्यूट करना है तो उस केस में हम मल्टीपल ब्लॉक ऑपरेशन क्रिएट करेंगे फिर उन सभी ब्लॉक ऑपरेशन को एक क्यू में ऐड कर देंगे वो क्यू जो इन सभी ब्लॉक ऑपरेशन को एक्सीक्यूट करता है उसे हम ऑपरेशन क्यू कहते हैं सो नाओ लेट्सविच टू प्ले ग्राउंड एंड ऐड ब्लॉक ऑपरेशन इन साइड ए ऑपरेशन क्यू सो ओवर हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ क्यू और शुड आई कॉल इट ऑपरेशन क्यू इज इक्ल्स टू ऑपरेशन क्यू और यहाँ पे ऑपरेशन क्यू एड ऑपरेशन एंड दैट इज गोइंग टू बी द ब्लॉक ऑपरेशन अगर आप ऑपरेशन क्यू का इस्तेमाल कर रहे हो तो मेक वेरी श्योर कि ये जो स्टार्ट फंक्शन है आप इसे कॉल ना करो

आई एम अनादर ब्लॉक ऑपरेशन और फिर उसके बाद वॉट यू कैन डू इज ऑपरेशन क्यू डॉट ऐड ऑपरेशन दैट इज़ गोइंग टू बी अन अदर ब्लॉक ऑपरेशन अगर लेट्स एफ यू हैव मल्टीपल ब्लॉक ऑपरेशन एंड यू डोंट लाइक दिस अप्रोच तो देर इज़ वन मोर अप्रोच जहाँ पर आप ब्लॉक ऑपरेशन ऐड कर सकते हो इनसाइड ऑपरेशन क्यू दैट इज़ ऑपरेशन क्यू एड एड ऑपरेशन यू कैन ऐड ब्लॉक ऑपरेशन एंड देन सो लेट मी this दिस नाउ लेट मी रन इट एंड that's इट सो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने यहाँ पे हमारे ब्लॉक ऑपरेशन को क्वालिटी ऑफ सर्विस असाइन की थी एंड अ गुड प्रैक्टिस इज कि अगर आप ऑपरेशन क्यू यूज कर रहे हो तो उस केस में आप आपके ब्लॉक ऑपरेशन को क्वालिटी ऑफ सर्विस असाइन मत करो यू कैन डायरेक्टली गो हैड एंड असाइन द क्वालिटी ऑफ सर्विस टू दी ऑपरेशन क्यू एंड फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज ऑपरेशन क्यू क्वालिटी ऑफ सर्विस इज इक्वल्स टू यूटिलिटी अब यहां पर हमने यह देखा है कि एक ऑपरेशन को आप दो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो वन इज बायूजिंग द स्टार्ट फंक्शन ऑफ द ऑपरेशन एंड द सेकंड वन इज बाय यूजिंग द ऑपरेशन क्यू क्लास तो इन दोनों अप्रोचेस में से हमें कौन सा अप्रोच यूज करना चाहिए एप्पल के डॉक्यूमेंटेशन में यह लिखा हुआ है कि इफ यू डोंट वॉन्ट टू यूज एन ऑपरेशन क्यू यू कैन एक्सिक्यूट इन ऑपरेशन योर सेल्फ बाय कॉलिंग इट स्टार्ट मेथड डायरेक्टली फ्रॉम योर कोड लेकिन एट द सेम टाइम यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि एक्सिक्यूटिंग ऑपरेशन मैनुअली यानी कि स्टार्ट मेथड यूज करके डस पुट मोर ऑफ अ बर्डन ऑन योर कोड सो ये रीड करने के बाद मैं गया स्टार्ट मेथड के डॉक्यूमेंटेशन में एंड यहां पे ये लिखा हुआ है कि वंस यू एंड एन ऑपरेशन ऑब्जेक्ट टू अ क्यू द क्यू एज्यूम्स ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट और ये रीड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इट्स बेटर दैट अगर आपका एक ऑपरेशन भी है तो यू शुड ऑलवेज यूज ऑपरेशन क्यू और ऑपरेशन क्यू में आपको आपके ऑपरेशन ऐड करने चाहिए जैसा हमने यहां पर किया हुआ है सो आई थिंक यहां हमने हाई लेवल टच बेस कर लिया है कि ऑपरेशन एंड ऑपरेशन क्यू क्या है नाउ लेट्स कंपेयर जीसीडी एंड ऑपरेशन क्यू और इस कंपेरिजन के जरिए हम ऑपरेशन और ऑपरेशन क्यू के फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे लेट मी स्टार्ट विद दिस एज पर एपल डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन ऑपरेशन क्यू इंटरनली डिस्पैच फ्रेमवर्क यानी जीसीडी का ही यूज करता है सो so, जीसीडी के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको ऑपरेशन क्यू में मिल जाएंगे एप्पल ने ऑपरेशन क्यू के जरिए जीसीडी पे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रैपर क्रिएट किया है और इन क्लासेस को एडिशनल फीचर्स भी दिए हैं जो जीसीडी में नहीं है सो ऑपरेशन क्यू इज बेसिकली जीसीडी ऑन स्टेरॉइड्स अब सवाल यह है कि इस ऑब्जेक्ट ओरियंटेड रैपर का क्या फायदा है जीसीडी इज गुड नो डाउट बट बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको आपके टास्क पॉज रिज्यूम या कैंसिल करने होते हैं अब जीसीडी में ज्यादा से ज्यादा डिस्पैच वर्क आइटम यूज करके मैं मेरे टास्क को कैंसिल कर सकता हूं लेकिन पॉज और रिज्यूम नहीं कर सकता इनफैक्ट अगर आप जीसीडी यूज करते हो तो यू हैव नो कंट्रोल ऑफ योर ऑपरेशन अगर आपको पॉज और रिज्यूम करना है आपके ऑपरेशन को तो उस केस में आपको ऑपरेशन क्यू यूज करना होगा बहुत बार ऐसे यूज केसेस भी आते हैं जहां एक टास्क दूसरे टास्क पर डिपेंड होता है कंसिडर दिस सिनारियो मुझे दो एपीआई कॉल करने हैं बट पहले एपीआई ए कॉल होगा और फिर उसके बाद एपीआई बी एपीआई बी इज डिपेंडेंट ऑन एपीआई ऐसी डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आप ऑपरेशन क्यू में बड़ी आसानी से कर सकते हो एंड इट्स मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएटेडीसी बिकॉज आपका फुल कंट्रोल होता है इन ऑपरेशन पे डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट वीडियो एंड उस वीडियो में हम इस कंपेरिजन को और डिटेल में समझेंगे एक और एडवांटेज यह है कि ऑपरेशन और ऑपरेशन क्यू क्लासेस की कुछ प्रॉपर्टीज आर केवीसी एंड केवीओ कंप्लायट नाउ दीज आर सम ऑफ द समीओ कंप्लाइंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन क्लास एंड दिस बेसिकली मीन्स हम ऑपरेशन के स्टेट को मॉनिटर कर सकते हैं इफ नीडेड जैसे वी कैन नो इफ दी ऑपरेशन इज स्टिल एक्सिक्यूटिंग इफ इट इज फिनिश्ड इफ इट इज कैंसल्ड एंड मनी मोर एंड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दीज स्ट्स वी कैन टेक एक्शन इन अवर ऐप इफ नीडेड एक सिंगल ऑपरेशन क्यू में हम मल्टीपल ब्लॉक ऑपरेशन एड कर सकते हैं सो मे बी वो देखने के बाद कुछ डेवलपर्स को यह क्वेश्चन आया होगा कि वट इफ मैंने फिफ्टी ऑपरेशन ऑपरेशन क्यू में एड कर दिए तो क्या यह फिफ्टी ऑपरेशन एक साथ एक्सीक्यूट होंगे स अगर एक ऑपरेशन क्यू में मैं इतने सारे ऑपरेशन एड करता हूं तो क्या वो सारे ऑपरेशन एक साथ स्टार्ट होंगे द आंसर इज नो एक्चुअली इस नो के पीछे दो रीजन है बट अल्टीमेटली द आंसर इज नो देर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन क्यू क्लास कॉल्ड मैक्स कॉन्करेंट ऑपरेशन काउंट अगर आपने इसे सेट किया लट से आप इसकी वैल्यू सेट करते हो टू फाइव तो आउट ऑफ फिफ्टी ऑपरेशन एट अ टाइम सिर्फ फाइव एक्सिक्यूट होंगे और बाकी के ऑपरेशन वेट करेंगे सो so, ये एक तरीका है जहां आप कॉन्करेंट एक्सिक्यूशन पे अपना कंट्रोल जमा सकते हो बट नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट एंड द सेकंड क्वेश्चन इज की रवि वट इफ मैंने ये प्रॉपर्टी सेट नहीं की तो उस केस में क्या होगा एज पर एपल्स डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन मैक्स कॉन्करेंट ऑपरेशन काउंट की एक डिफॉल्ट वैल्यू है एंड एप्पल रिकमेंड करता है कि आप इसे डिफॉल्ट ही रहने दे बिकॉज ऑपरेशन क्यू इंटरनली आपका ऑपरेशन रन करने से पहले कुछ कैलकुलेशंस करता है बेस्ड ऑन योर सिस्टम कंडीशंस बेसिकली दिस मीन्स जिस हार्डवेयर में आपका आईओएस ऐप एप इंस्टॉल्ड है उसमें कितने कोर्स हैं सिस्टम कितना बिजी है एंड मेनी अदर थिंग एंड बेस्ड ऑन योर सिस्टम्स कंडीशन वो नंबर ऑफ ऑपरेशन रन करता है लट से यूजर का डिवाइस बिजी है इन डूइंग समथिंग और आपने ऑपरेशन क्यू में इतने सारे ऑपरेशन एड कर दिए तो बेस्ड ऑन ऑपरेशन क्यू कैलकुलेशन हो सकता है कि वो सिर्फ दो टास्क एट अ टाइम रन करे आईफोन के लोअर एंड मॉडल जैसे आईफोन सेवन या एट में उतनी प्रोसेसिंग पावर या कोर्स अवेलेबल नहीं होते एंड हायर एंड फोन्स में भी आप बोल नहीं सकते कि सिस्टम कितना बिजी रहेगा तो अगर आप एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन रन करोगे यूजिंग जीसीडी तो हो सकता है कि आपको इश्यूज आए और आप यूजर को ये तो नहीं बोल सकते कि ये हमारा ऐप तो सिर्फ आई 12 में अच्छे से चलता है ऐसे क्रिएटिव रिस्पांस तो आप नहीं दे सकते सो so, अगर आपको मल्टीपल ऑपरेशन रन करने हैं तो उस केस में ऑपरेशन क्यू का यूज सही होगा एंड नॉट जी ऑपरेशन क्यू में आपको जी के सारे फीचर्स तो मिल ही रहे एंड नॉट ओनली दैट आपका आपके टास्क पे कंट्रोल रहता है अगर कोई मुझसे पूछे कि जी सी यूज करना है या ऑपरेशन क्यू तो वो टास्क पे डिपेंड करता है कि आप अचीव क्या करना चाहते हो अगर टास्क सिंपल है तो मैं जी सी यूज करता हूँ बिकॉज इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बट जब मुझे मेरे टास्क में एक्सट्रीम कंट्रोल चाहिए या फिर आई हैव डिपेंडेंसी इन माई टास्क तो उस केस में आई यूज़ ऑपरेशन क्यू या फिर हम कॉम्बिनेशन अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं जो ऑपरेशन सिंपल है उसके लिए हम जी यूज़ कर सकते हैं और जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है या जिनमें आपको आपके ऑपरेशन पे एक्सट्रीम कंट्रोल चाहिए उनके लिए हम ऑपरेशन क्यू यूज़ कर सकते हैं इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा टास्क क्या है और वो कितना कॉम्प्लेक्स है टास्क को एनालाइज करने के बाद यू शुड डिसाइड कि टास्क के लिए जी बेटर ऑप्शन है या ऑपरेशन क्यू आई होप इस वीडियो में जो डिफरेंसेस हमने आज सीखे हैं उससे आपके प्रोजेक्ट सोल्यूशनिंग और इंटरव्यूज में हेल्प हो अगर आपने कभी ऑपरेशन क्यू यूज किया है तो प्लीज लेट मी नो अबाउट इट इन द कॉमेंट या फिर डू टेल इफ योर हियरिंग अबाउट ऑपरेशन क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी हैप्पी टू रीड अबाउट योर एक्सपीरियंसिस वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना दैट बींग सेट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड दिस इज रवि सी यू नेक्स्ट वीक बाय